हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें हाथ साफ करने का एक प्रॉपर तरीका बताया गया है, लेकिन इसको क्यों करा जाए और इसके क्या फायदे हैं ये हमें किसी भी वीडियो में नहीं बताया गया है। आज हम एक रिव्यू ले रहे हैं कि हाथ कैसे साफ करें और उससे होने वाले फायदे, ताकि हम प्रॉपर साफ करें और उसका फायदा जान सके। सबसे पहले हाथ साफ करने के लिए हम किसी भी तरह के डेट सोप, बाथ सोप या हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने अपने हाथ में हैंड वॉश लिया है। हाथ को प्रॉपर तरीके से साफ करना है, पहले हथेलियां पूरी, हथेली से लेके पंजे तक, फिर हथेली के पिछले हिस्से में, उंगलियों के बीच में, ताकि हमारी उंगलियों के बीच के जो पोरों के बीच में जगह होती है वो प्रॉपर साफ हो जाए। हथेली को चार तरफ से लेफ्ट राइट, अंगूठे को चार तरफ से, क्योंकि हम जब हाथ साफ करते तो हम तो अंगूठा ऊपर से रह जाता है, अंगूठे को दोनों तरफ से। तो उसके बाद हम दोनों उंगलियों को, दोनों हाथ की उंगलियों को मोड़ के इस तरह रगड़ेंगे। इससे फायदा होगा कि हमारे हथेली पे और हमारी उंगलियों में, नाखून के बीच में जो मैल है, जो गंदगी है, वो प्रॉपर तरीके से साफ हो जाएगी। क्योंकि अक्सर करके हम हाथ साफ करते हैं तो अपने नाखूनों के अंदर जमे मैल पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारा मकसद है हाथ को रोग मुक्त करना, बैक्टीरिया फ्री करना। साथ हिंदुस्तान के लगभग 95% घरों में हैंडल वाली टैप नहीं है, एक नॉर्मल टैप है। तो नॉर्मल टैप से क्या है, जब हमने हाथ पहले लिया तो रोगाणु, गंदगी, मैल, इन्फेक्शन, हथेली जमने चांस है। टैप के हैंडल पे, टैप की नॉब पे जमने के पूरे चांस रहते हैं। तो हमारा मकसद है टैप को प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेना, ताकि हमारा नॉब भी इन्फेक्शन रहित हो जाए और उसमें कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो। हमारे बाद जो व्यक्ति हाथ धोए उसे दिक्कत ना आए, प्लस हम जब हम टैप को बंद करें तो इसमें कोई इन्फेक्शन बाकी ना रह जाए। अगर टैप साफ नहीं हुई है और टैप हमने साफ हाथों से बंद कराया तो इन्फेक्शन वापस हमारे हाथों में आ सकता है। तो हमारा मकसद है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें। और हाँ, ये ध्यान अवश्य रखें कि हम, क्योंकि हाथ आजकल हाथ की सफाई पे, शरीर की सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है, तो पानी को हम कम यूज करें, पानी का हम बर्बाद ना होने दें, क्योंकि पानी भी हमारा बेस कीमती जन संसाधन है, इसको बर्बाद होने से बचाएं। हाथ जहां तक हमारे खुले हुए हैं उतने हाथ को पूरे साफ करें, साबुन से या हैंड वॉश से, जो भी डिटर्जेंट। ध्यान रखें जब हम हाथ धो के लिपटे तो हमारे हाथ में से डिटर्जेंट पूरा निकल जाना चाहिए, ताकि हमारा हाथ बैक्टीरिया रहित हो जाए, बैक्टीरिया फ्री हो जाए। अभी भी देख रहे हैं हम थोड़ा सा साबुन का अंश, डिटर्जेंट का अंश इसमें रह गया है। हम एक साफ सूखे कपड़े से, टॉवल, रुमाल, जो भी हो, उससे अपने हाथ को प्रॉपर साफ कर लें, ड्राई कर लें, ताकि हाथ प्रॉपर क्लीन, साफ और ड्राई हो जाए, इन्फेक्शन मिनिमाइज।